श्री राम भद्राचार्य जी महाराज वहाँ आए, जगतगुरु भगवान कथा कहने, तो उनके कमर से लेकर के पैर तक महाराज खूब दर्द उत्पन्न हो गए। बड़े प्रेम से सुने, इतना दर्द कि उन्होंने, ये अजय पंडित जी बैठे हुए हैं, अजय पंडित जी को बुलाया उनने, बेटा हमारे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। जी आए, महाराज जी ने हनुमान जी के चरणों से लगा करके और भभूति दी, जगतगुरु भगवान ने भभूति का पान किया लगाई, और महाराज जैसे ही भभूति का पान किया लगाई, उनके पैर का दर्द चला गया। और जगतगुरु भगवान भक्त के साथ करते हैं भगवान चमत्कार, ऐसी अनोखी गाथाएं, अलौकिक गाथाएं आप सभी के मध्य लाता रहता हूं मैं राघवेंद्र, और इस बार फिर लाया हूं एक ऐसी अनोखिक और अलौकिक गाथा। हमारे भारतवर्ष के बहुत ही मूर्धन विद्वानों में से एक जगत गुरु जी श्री तुलसी पीठ के जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज, अब मैं परिचय के मोहताज नहीं, पूज्य स्वामी जी, उनके साथ किस तरह से ददरुआ वाले डॉक्टर हनुमान ने चमत्कार किया वो पूरी गाथा मैं इस वीडियो में आपको अभिषेक जी के माध्यम से श्रवण कराने जा रहा हूँ। और ददरुआ सरकार की एक सूक्ति है कि ददरुआ महावीरो वर्तते कष्ट रोगः, ददरुआ वाले हनुमान बाबा रोग कष्ट से हर व्यक्ति को, हर पीड़ित को निजात दिलाते हैं। ऐसे डॉक्टर हनुमान के चमत्कार सुनिएगा मेरे साथ अभिषेक जी के द्वारा। साथ ही दोस्तों, अगर आप फेसबुक के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको अभी शेयर कर दें नीचे से, और सब्सक्राइब करना ना भूलें यूट्यूब चैनल को, क्योंकि आगामी समय में और भी अपडेट मंदिर की आपको प्राप्त होती रहे। सभी भक्तों को जय जय श्री राम, जय जय हनुमान, मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए पुनः सीताराम। बड़े प्रेम से ददरुआ सरकार की महिमा को सुने, कि यहाँ की विभूति का देखा ये कमाल है, जिसने भी खाई वह हुआ माला माल है, हुआ माला माल है। ददरुआ सरकार की विभूति में बहुत सा चमत्कार भरा हुआ है महाराज, बड़े प्रेम से सुने। देखिए, ददरुआ सरकार का चंदन लगाने से सभी रोगों का हनन हो जाता है, क्योंकि यहाँ के हनुमान जी है ना, वो डॉक्टर रूप में विराजमान है। आप लोग YouTube के माध्यम से जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, बड़े प्रेम से सुने, गौर से सुने। देखिए, एक बार हमारे तुलसी पीठ के जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी महाराज ददरुआ में कथा कहने आए। बड़े प्रेम से सुने, ददरुआ में कथा कहने के लिए आए थे। अब उनको महाराज, आप लोग जानते हैं ना सब, वो महाराज जी अद्वितीय विभूति हैं, उनको दिखता नहीं है, परंतु वो मानिए तुलसीदास जी का अवतार है इस कलयुग में। 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद उनको कंठ है, कहीं से भी बोलते हैं। बड़े प्रेम से सुने, तो जब श्री राम भद्राचार्य जी महाराज वहाँ आए, जगतगुरु भगवान कथा कहने, तो उनके कमर से लेकर के पैर तक महाराज खूब दर्द उत्पन्न हो गए। बड़े प्रेम से सुने, इतना दर्द कि उन्होंने, ये अजय पंडित जी बैठे हुए हैं, अजय पंडित जी को बुलाया उनने, बेटा हमारे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। कथा कैसे कहेंगे, ये कथा पर बैठना पड़ता है ना,
तो कथा कैसे कहेंगे? पैर में दर्द हो रहा। अजय पंडित जी ने कहा, महाराज आप कोई चिंता मत करिए, हमारे हनुमान जी डॉक्टर हैं, इनका चंदन लगा और इन्होंने कहा कि आप उनके चरणों में पुष्प समर्पित करो। क्या करो? पुष्प। अब महाराज जी ने कहा, बेटा मेरे पास और कुछ है भी नहीं, दो चार पुष्प डले हैं, वो पुष्प तुम ले जाओ और हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दो। तो हमारे अजय पंडित जी पुष्प ले गए और पुष्प ले जा करके उन्होंने भगवान के चरणों में समर्पित किए हनुमान जी के, और हनुमान जी से प्रार्थना करी, हे डॉक्टर बालाजी, हे डॉक्टर हनुमान ददरुआ सरकार, महाराज जी को कथा कहनी है और आप उनके जो पैर का दर्द है उसको समाप्त करें। चंदन ले गए, चंदन लगाया। अब देखो हनुमान जी की कृपा तो प्राप्त हो गई, हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो गई तो थोड़ा थोड़ा दर्द कम हो गया, परंतु भभूति महाराज जी की प्राप्त नहीं हुई, फिर भी थोड़ा थोड़ा दर्द था। तो अजय पंडित जी पुनः गए महाराज जी के पास और महाराज जी आए। महाराज जी ने हनुमान जी के चरणों से लगा करके और भभूति दी, जगतगुरु भगवान ने भभूति का पान किया लगाई, और महाराज जैसे ही भभूति का पान किया लगाई उनके पैर का दर्द चला गया। और